अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समल्लासः तेरवा भाग। विश प्रवेशने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाश आदीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाश आदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। कहते हैं विश्व ईश्वर का नाम है। ओम शब्द की व्याख्या चल रही है। यहाँ पर आकार से तीन नामों का ग्रहण किया गया है, विराट, अग्नि और विश्व। आकाश आदि भूत आदि से अन्य सारे भूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनका ग्रहण किया जाएगा और समस्त पदार्थ जिसमें रहते हैं। ये वायु जिसमें रहता है वो ईश्वर है, उसका नाम विश्व है। यह अग्नि या जल जिसमें रहता है, अर्थात ये सारे पदार्थ जिसमें विद्यमान हैं, उस ईश्वर की सत्ता बहुत व्यापक है। वो किसी एक स्थान पर उसकी सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता अनंत है, उसका विस्तार, उसका फैलाव अनंत है और कोई भी पदार्थ उस ईश्वर की सीमा से बाहर नहीं है। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पदार्थ हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो अन्य पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना उसका विस्तार, इतना फैलाव नहीं है कि वो ईश्वर से बाहर हो, ईश्वर में ना रहते हों। दूसरे दृष्टिकोण से भी इस नाम की व्याख्या की कि जो ईश्वर इसमें विद्यमान है इसलिए उसका नाम विश्व है। ईश्वर इन पदार्थों में व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जिसमें ईश्वर ना हो। सूक्ष्म है इसलिए ईश्वर प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान हो सकता है। जैसे अग्नि और लोहा है, लोहे में अग्नि की विद्यमानता होती है क्योंकि अग्नि लोहे से सूक्ष्म है। इसी भांति ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए समस्त स्थानों पर ईश्वर की विद्यमानता है। यह विश्व शब्द की व्याख्या की। आगे उकार से तीन नामों का ग्रहण है और उसमें प्रथम नाम है हिरण्यगर्भ, उसकी व्याख्या में लिखते हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। हिंदी में कहते हैं
जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। ऐत्रेय और शतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब वेदों के व्याख्यान ग्रंथ। इनमें कहा गया है कि हिरण्य शब्द का अर्थ क्या है, ज्योति, और दूसरा हिरण्य शब्द का अर्थ किया गया है तेज, अर्थात प्रकाश, तेजस्विता। तो कहते हैं हिरण्य गर्भ में जो हिरण्य शब्द है उसका अर्थ हो गया ज्योति, तेज, प्रकाश, तेजस्विता। तो अब गर्भ शब्द का अर्थ क्या है? गर्भ माने उत्पत्ति का स्थान या आधार, दोनों अर्थ हैं। एक जो माता का गर्भ होता है वो शिशु के लिए, जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए वो गर्भ उसका आधार है, वो वहीं पर रहता है, वहीं रह करके उसका जो निर्माण है वो होता है, और वो गर्भ ही उसका उत्पत्ति स्थान भी है। इसी भांति यहाँ समझना चाहिए, हिरण्य यानि प्रकाशित पदार्थ सूर्य आदि, और सूर्य आदि का जो आधार है, गर्भ है, वह ईश्वर है, और सूर्य आदि का जो उत्पत्ति स्थान है वो ईश्वर है। अर्थात सूर्य आदि जितने भी तेज वाले लोक हैं, पदार्थ हैं, इस ब्रह्मांड में प्रकाश करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो समस्त पदार्थ ईश्वर के आधार से रहते हैं। उनमें जो प्रकाश है, उनमें जो उनका गुण है, जो उनकी विशेषता है, वो ईश्वर से ही है, ईश्वर के आश्रय से रहते हैं। जैसे इस पृथ्वी को सूर्य ने धारण किया है, तो सूर्य को धारण करने वाला कौन है? वो ईश्वर है। और इस प्रकार से ब्रह्मांड में जितने भी तेज प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, उन सबको धारण किया है उस परमात्मा ने। उस परमात्मा में धारण करने का सामर्थ्य है, और इन सबको उत्पन्न भी वही करता है, इनको बनाता भी वही है। इसमें यजुर्वेद का एक मंत्र दिया है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्य गर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। इस यजुर्वेद के मंत्र में हिरण्य गर्भ शब्द आया है, जो परमात्मा का नाम है, और इसका अर्थ अभी बताया जा चुका है। अगला नाम है वायु। किससे बना है? धातु क्या है? वा। और इस वा धातु का अर्थ क्या है? गति गंधनयोः, दो अर्थ है, एक गति और दूसरा गंधन। गति शब्द के अर्थ हमने पढ़े हैं कि गति का अर्थ क्या है? ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ है। तो अब यहाँ कहते हैं इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। पहला अर्थ लिया गंधन। गंधन माने हिंसन। यो वाति चराचरम जगत धरति बलिनाम बलिष्ठ स वायु। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है और सब
बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। अब यहाँ जो गंधन का अर्थ है वो हिंसन है, हिंसन का यहाँ अर्थ लिया गया प्रलय करने वाला। ईश्वर इस संसार को बनाता भी है, ईश्वर इस संसार को धारण भी करता है। जीवन शब्द का प्रयोग है, जीवन माने उत्पन्न करने वाला, और ईश्वर इनका विनाश भी करता है। ये तीनों ही काम ईश्वर ही करता है, इसलिए ईश्वर का नाम क्या है? वायु है। और जिस प्रकार से ये जो भौतिक वायु है, इस भौतिक वायु में बहुत बल होता है, सामर्थ्य होता है, लेकिन इससे भी जो अधिक बल है, बलवानों से भी बलवान है, जितने भी बल वाले पदार्थ इस संसार में हैं, उन समस्त पदार्थों से अधिक बल उस ईश्वर में है जिसका नाम वायु है। उस ईश्वर के अनेक अनेक नाम हैं और उन नामों में से एक नाम वायु भी है। यहाँ पुनः इस बात को समझना है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम बहुत सारे हैं। ये कुछ नामों की व्याख्या की, फिर आगे पढ़ेंगे। इति ओम।